अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। यानी हमारे सिलेबस में कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट एनिमल से स्टार्ट करेंगे। यानी स्टार्ट सिंपल से करके हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम हाइड्रा की बात कर लेते हैं। हाइड्रा जो है हमारे पास बच्चों बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ एनिमल है। ठीक है, एक नाइडेरियन ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इसके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गेनेली या ये कह लो कि कोई भी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है, तो स्पेशली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की, तो हम कहते हैं हाइड्रा जो है ये एक नाइडेरियन ग्रुप से क्योंकि बिलोंग कर रहा है, और उस ग्रुप में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। सवाल ये बनता है कि अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव करने के लिए इनके अंदर कोई भी सिस्टम या कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये क्या एक्सक्रीशन करते ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा है कि प्लांट्स तक भी एक्सक्रीशन करते हैं, तो एनिमल तो कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सक्रीशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन कर ही, यानी यही हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट कि एक्चुअली में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी के अंदर, जितने भी वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हीं को बॉडी से रिमूव करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसी को हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में वो एनिमल्स जिसमें हमने कहा, या वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमने कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, तो वो किसी न किसी तरीके से एक्सक्रीशन कर ज़रूर रहे हैं। जैसे आपने प्लांट्स में देखा, प्लांट्स में भी तो एज सच कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन एक्सक्रीशन तो उन्होंने करनी है। ठीक है, वो लीव्स के थ्रू कर रहे हैं, ट्यूबर्स के थ्रू कर रहे हैं, बल्ब आपने देखा बल्ब की फॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से एक्सक्रीशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम कहते हैं कि इनके अंदर एक्सक्रीशन जो है हाइड्रा के अंदर, क्योंकि इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, तो ये किस तरीके से एक्सक्रीशन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, सिंपली ये उसके थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया जो है हमारे पास फ्लैट वर्म्स के ग्रुप में से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है ये हमने देखनी है। तो बच्चों, प्लेन एरिया जो है ये फ्लैट वर्म्स के ग्रुप में से है। ठीक है, इन ग्रुप के एनिमल्स के अंदर सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, और वो कैसा होता है? सिंपल ट्यूब की फॉर्म में होता है। तो सिंपलर ट्यूबुलर सिस्टम जो है इनके अंदर मौजूद होता है, और सबसे सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोल देते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। ठीक है, यानी सिंपलर ट्यूबुलर सिस्टम जो है इनके अंदर मौजूद है, उसको हमने बोला, यानी इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने बोला प्रोटोनेफ्रिडियम। ठीक है, अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम है ये एक्चुअली में होता क्या है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो क्लोज ट्यूबुल से मिलकर बना हुआ है, और जिसके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं है। यानी एक सिंपल समझो कि पाइपलाइन बिछी हुई है। ठीक है, एक सिंपल ट्यूब है, एक सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है जो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड है, और वो क्या करेगा? वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो के उसकी फर्दर ब्रांचेज हैं जो बॉडी से जो है वो वेस्टफुल मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड है। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं ये कैप्ड होती हैं स्पेशल सेलुलर सेटअप से, जिसको हम बोल देते हैं फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल्स हम उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये जो कैप्स हैं, ठीक है, इन ट्यूबुलर सिस्टम की, हर फ्लेम सेल के अंदर एक्चुअली में मौजूद होते हैं सीलिया। सीलिया के टफ्ट्स मौजूद होते हैं, गुच्छे मौजूद होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। सीलिया बच्चों जैसे फ्लेजेला होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसी तरीके से सीलिया स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं इनके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? स्मॉल हेयर लाइक, जैसे हमारे नोज़ में समझ लो कि मौजूद हैं सिंपल सिंपल हेयर्स, बिल्कुल इसी तरह के ये सीलिया हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सीलिया क्या करते हैं? इस तरीके से फ्लिकर करते हैं जैसे एक फ्लेम कर रहा होता है, यानी जैसे एक शोला जो है वो फ्लिकर करता है, बिल्कुल इसी तरह से ये सीलिया जो है ऐसे हिल रहे होते हैं, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे एक फ्लेम चल रहा है। इसलिए हम इनके कैप्स को, इन सिस्टम्स को, इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, आपके बुक में बताया हुआ है कि ईच फ्लेम सेल हैज़ अ टफ्ट ऑफ सीलिया हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम।
ठीक है, यानी फ्लेम सेल्स के अंदर जो सीलिया के टफ्ट मौजूद हैं ये इस तरीके से बीट करते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर धकेल देते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये जब इस तरीके से बीटिंग कर रहे होते हैं तब ये ऐसा लग रहा होता है जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इन सेल्स को फ्लेम सेल्स बोल देते हैं। अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसके अंदर मौजूद सीलिया ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद था उसमें से जो वेस्टफुल मटीरियल था वो, आप सपोज कर लो बच्चों कि एक दरिया है, ठीक है, उसके अंदर एक बोट है, कश्ती है, ठीक है, उसके अंदर जो चप्पू होता है, ठीक है, बोट को चलाने के लिए, सपोज़ कर लो कि वो इस तरीके से बीटिंग करे कि बाहर वाली चीज़ों से, यानी दरिया में से जो भी चीज़ इकट्ठी करनी है वो उठा उठा के कश्ती के अंदर फेंकता रहे, ठीक है। अब जस्ट मैं आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए बता रही हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसका, उसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये ट्यूबुलर सिस्टम बिछा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जैसे कश्ती है। अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसके अंदर मौजूद जो सीलियां हैं ये इस तरीके से बीट करेंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से, यानी उसकी बॉडी में से, प्लेनेरिया में से जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वेस्टफुल मटेरियल है, वो आके किसके अंदर दाखिल हो जाए, इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ट्यूबुलर सिस्टम क्या करेगा, ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स की तरह बॉडी से जो भी मटेरियल एक्सक्रीट करना था वो प्रोटोनेफ्रिडियम से बाहर को धकेल देगा एक सिवरल एक्सक्रीटरो पोर्स के थ्रू, यानी बॉडी में जो भी छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं उनके थ्रू ये बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। अब हम कहते हैं फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स जो होते हैं ये किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं, यानी क्या रिमूव करते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा अमोनिया भी समटाइम्स एनिमल्स रिमूव करते हैं, सम एनिमल्स यूरिया रिमूव करते हैं, तो ये बच्चों क्योंकि ये मोस्टली पानी में रह रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डायल्यूटेड यूरिन को रिमूव करते हैं, यानी ये जो यूरिनेशन करेंगे बहुत ज़्यादा डायल्यूटेड, क्योंकि आपको पता है इन्होंने ज़्यादा वाटर रिमूव करना है इसलिए ये डायल्यूटेड यूरिन को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो, ये तो वो थे जिनके जो फ्रेश वाटर थे, जो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स हैं ओबियसली उनके अंदर वाटर ज़्यादा है इसलिए उनको डाइल्यूट यूरिन जो है वो रिमूव करेंगे। लेकिन कुछ फ्लैटवर्म्स ऐसे हैं जो पैरासिटिंग हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं इसलिए हम उनको पैरासिटिक बोलते हैं, अपने होस्ट के अंदर रहते हैं, तो जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं उनको तो एक्सेस वाटर जो है वो मौजूद नहीं होता उनके अंदर सिंपली, तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो क्योंकि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्पोज